हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एट द रेट आरएफआई क्लासेस में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर कंपटीशन, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करेंगे। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में कह रहा, निम्नलिखित में से 0.08 के बराबर कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है, आप जल्दी से बनाइएगा। चलिए आपको नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिएगा 0.08 इसको निकालना होगा तो गुना कर देंगे कितना से, 100 से। तो क्या हो जाएगा, 1/100, ठीक है, गुने 100, क्या आ जाएगा, 8%। जब परसेंटेज निकालना हो तो क्या करना होगा, 100 से गुना, कितना हो गया, 8%। राइट आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 80% का 5% क्या होगा। तो चलिए देखिएगा, 80% का 5% का 5%, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो चलिए बनाते हैं। तो देखिएगा 80 का मतलब गुना 5/100, गुना 5/100, 5% और 5%, ठीक है, का मतलब गुना, निकाल देंगे कितना जाएगा, 0.2। राइट आंसर डी, ठीक है, समझ में आ रहा। किसी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से रिपीट करूंगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2000 का 5 बटा 2/5 के 30% का 25% कितना होगा। तो बहुत आसान है क्वेश्चन, देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आप लोग को, बहुत आसान से बना सकते हैं। कितना पूछ रहा, 2000, 2000 का 2/5 का 30%, 30/100 गुने 25%, 25/100। परसेंटेज हटाते हैं तो हम लोग शून्य लगाएंगे, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60। कैलकुलेट करने आपको आता ही है, राइट आंसर डी, ठीक है। किसी तरह का डाउट, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, यही जानना है। तो बहुत आसान है, तो देखेंगे पूछा जनसंख्या में अवशिष्ट वृद्धि बराबर, जनसंख्या में अवशिष्ट वृद्धि कितना, वृद्धि क्या हो जाएगा। चलिए कितना दिया रखा है, 60 से 65 हो गया, मतलब 65,000, ठीक है, माइनस 60,000, ठीक है, 60,000, दस हजार, 100 ज्यादा हो गया है, ठीक है, गुने 100, कैलकुलेट कर देंगे कितना आ जाएगा, 5000/60,000 गुने 100 कितना हो जाएगा, 50/6, कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 25/3।
इसको भी कैलकुलेट कर देंगे तो कितना 25/3 को हम लिख सकते हैं, 8 पूर्णांक 1/3%। राइट आंसर सी। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% घटा दिया जाए तो अंत वृद्धि या कमी का प्रतिशत होगा। तो बहुत आसान है, कमी। ठीक है, तो 20% बढ़ा के घटा रहा है, मतलब कमी है, कमी प्रतिशत बराबर, कमी का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 20 बढ़ाकर 20 घटा रहा है, मतलब 20 का स्क्वायर बटा 100% हो जाएगा 400/100%, इतना हो जाएगा 4%। राइट आंसर बी। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल हानि हुई, तो टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जल्दी से हम लोग बनाएंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए आप लोग को चैनल पे क्वेश्चन कैसा लग रहा है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मेरा चैनल पर पहली बार आए हैं तो RFT क्लासेस जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो डेली कंटिन्यू आती है, डेली आप कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है, आप कंटिन्यू पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। किसी तरह का डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आप परसेंटेज नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो है, तो आप पूरे क्लास उसमें जाके आप पढ़ सकते हैं, पूरा बेसिक के साथ पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। कर रिसाव, रिसाव के बाद क्वेश्चन कर रिसाव के बाद बचा पेट्रोल, बचा पेट्रोल बराबर क्या हो जाएगा, 2000 - 3 बराबर 17 लीटर। ठीक है, अतः शेष पेट्रोल का अवशिष्ट प्रतिशत बराबर 17/20 × 100% कितना आ जाएगा, 85%। राइट आंसर डी। कोई दिक्कत? तो बहुत इजी है, बस मेरे चैनल पे आप अगर नहीं पढ़े हैं प्रतिशत पढ़ लीजिए, बस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ेंगे और आपको मौखिक आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बिना पेन पेंसिल लगाए भी आप कैलकुलेशन करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रीता आय की रश्मि की आय से 10% कम तथा रश्मि की आय से रीता की आय में कितना प्रतिशत की अधिक है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग। रश्मि रश्मि की आय में प्रतिशत प्रतिशत वृद्धि
बराबर क्या हो जाएगा, 100 × 10 बटा 100 − 10%, 10% कम, ज़्यादा कह रहा है, ठीक है, तो कितना आ गया, 1000 बटा 90%। इसको कह सकते हैं 100 बटा 9%। तो इसको करने से, कैलकुलेट करने पे कितना भी लिख सकते हैं हम लोग, 11.1/9% लिख सकते हैं। राइट आंसर ए, ठीक है, बहुत आसान है। चल नेक्स्ट देखेंगे, 8वां नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 10% की वृद्धि हुई, कुछ दिनों बाद पुनः 20% की वृद्धि हुई, इसी प्रकार व्यक्ति के वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चलिए, तो व्यक्ति के वेतन के कुल प्रतिशत पूछ रहा है, तो व्यक्ति के लिखेंगे वेतन में कुल प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, 10 + 20% वृद्धि हुआ, प्लस 10 × 20/100, ठीक है, कितना आ जाएगा, 30 + 2, कितना परसेंट होगा, 32%। राइट आंसर बी, तो बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखेंगे, 9वां नंबर क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई 5% तथा चौड़ाई 10% की वृद्धि हो गई, इसी प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो बहुत आसान है, तो पूछ रहा है क्षेत्रफल की वृद्धि, तो क्षेत्रफल में लिखेंगे क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, में प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा, कितना हुआ, 5%, फिर 10% प्लस 5 × 10/100, क्या जाएगा, 15 + 50/100, क्या हो जाएगा, 15 + 1/2। कैलकुलेट कर देंगे तो क्या इतना हो जाएगा, 15.1/2%। राइट आंसर डी। किसी तरह का डाउट अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तब भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, कैसा लगा क्वेश्चन ये भी बताइएगा, कि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक गोले के व्यास में 15% की कमी हो गई, उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन कमेंट में आंसर बताइएगा, किसका राइट आंसर क्या आएगा, और क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो फ्री क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, डेली कंटिन्यूस बने रहिए, हमेशा इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन आते हैं, सभी प्रीवियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंटिन्यू बने रहिए। मेरी क्लास को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, थैंक यू।